नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे निर्धनता उन्मूलन के लिए किए गए उपाय। जैसे हम जानते हैं कि आज गरीबी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो सभी सरकारों ने गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में कुछ कार्यक्रमों को लागू किया गया, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम, सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के रोजगार के लिए प्रशिक्षण की योजना, अशिक्षित बेकारों के लिए स्वरोजगार की योजना, भूमि सुधार के कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। इसके अतिरिक्त जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना आदि कई कार्यक्रम हमें चालू किए गए थे। इसी प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में निर्धनता उन्मूलन संबंधी भी एक नई नीति घोषित की गई, जिसमें प्रथम गरीबी रेखा की वार्षिक आय पुनः परिभाषित की गई। किसी परिवार की वार्षिक आय 6.4 रुपये से कम होने पर उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया, परंतु सहायता के लिए योग्य परिवारों के चयन में उन परिवारों को वरीयता मिली जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से कम है। द्वितीय, लाभार्थियों के चयन में गांव सभा और जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित कर कार्यपालिका को जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिक उत्तरदायी बनाया गया। तृतीय, इसमें कार्यक्रम में के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए गांव एवं ब्लॉक स्तर पर एक परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया। पाँचवा, स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका की सराहना की गई एवं कार्यान्वयन स्तर पर उनकी अधिकाधिक सहयोग एवं सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। पाँचवा, उन महिलाओं को भी वरीयता दी गई जो केवल गृहस्थी के कामों में लगी हैं, ताकि वे घरेलू रोजगार के द्वारा परिवार की आय में वृद्धि में सहायता कर सकें। इस प्रकार आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना में भी निर्धनता उन्मूलन हेतु अनेक उपायों को अपनाया गया। इन उपायों द्वारा अतिरिक्त रोजगार सृजन करना, उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, तकनीकी और उद्यम संबंधी दक्षता तैयार करना तथा निर्धनों के आय के स्तर को ऊंचा उठाना, इसके लिए निर्धनता रोधी कार्यक्रमों को मजबूत बनाया गया। रोजगार के प्रावधान के अंतर्गत सरकार ने बजट का आवंटन किया। इसी कड़ी में जैसे ग्रामीण विकास, पेयजल, ग्रामीण रोजगार संबंधी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जोड़े गए हैं। इसी प्रकार से अभी वर्तमान में जो चल रहा है मनरेगा योजना, जिसमें वर्ष में 100 दिन लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसमें हम देखेंगे जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, ये योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है एवं सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को सामाजिक पुनर्गठन, उनको प्रशिक्षण एवं क्षमता का निर्माण करना, बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आय सृजक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, स्वयं सहायता समूहों को संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इसी प्रकार दूसरी योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये योजना 2 सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, स्थायी सामुदायिक सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना एवं आधारभूत ढांचे का विकास करना है। इसी में जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना की शुरुआत 2002 और 2001 में की गई थी, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में की गई ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण आवास योजना, इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मरुभूमि विकास करना और पेयजल की व्यवस्था करना है। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना में प्रधानमंत्री के द्वारा 2001 में शुरू की गई। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 1 करोड़ परिवारों को पहचान की गई और प्रत्येक पात्र परिवार को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल ले प्रति माह 25 किग्रा अनाज प्रति परिवार मुहैया करवाया गया। अन्नपूर्णा योजना,
ये योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र तो हैं लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इंदिरा आवास योजना, इस योजना में आवास योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीब परिवारों व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त में आवास मुहैया करवाना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, इस योजना का उद्देश्य देश में सर्वाधिक विपदाग्रस्त जिलों में बेरोजगारों को रोजगार गारंटी प्रदान करना है। इसी प्रकार से अब हम जानेंगे कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन। तो ये कार्यक्रम पूंजीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, ये उत्पादकता बढ़ाने के सिद्धांत पर आधारित हैं, परंतु उत्पादकता सही अर्थों में तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि पूंजी आदि का पुनर्निर्माण न हो। ये कार्यक्रम आज भी इस प्रकार से बनाए गए हैं जैसे मानो गरीबों को दान दिया जा रहा है, ये ख्याल नहीं रखा जाता है जिनके लिए ये कार्यक्रम बने हैं वे इतने गरीब हैं कि उन्हें दिए जाने वाला धन गैर उत्पादक कार्यों में खर्च हो सकता है। ये धन इतना पर्याप्त नहीं है कि एक बार गरीबी रेखा से निकलने के बाद परिवार स्वयं को उस रेखा से ऊपर अपने आप को बनाए रख सके। गरीबी एक बहुआयामी विषय है, उसे आवास सफाई स्वास्थ्य पोषण आदि से अलग नहीं किया जा सकता। इन कार्यक्रमों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण इस प्रकार का हो कि बनी हुई वस्तुओं का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बेच सकें। ये कार्यक्रम निर्धनों की मनोवृत्ति को बदलने में पर जोर देते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि देश में उत्पादक परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण की योजना बनाई जाए ताकि निर्धन व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से उत्पादक क्षेत्रों में जाएं। इसी प्रकार निर्धन व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं वस्तुओं की मांग के लिए उचित बाजार